हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने स्टैक देखा था, क्यू देखा था, हमने डेटा टाइप्स की वेरिएबल्स देखे थे, जो मेन वो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो देखे थे। ज़्यादातर हमने नहीं देखे। एक डेटा टाइप है पाइथन का नंबर्स। ये डेटा टाइप तो नहीं है, एक तरह से बेसिकली जावास्क्रिप्ट में नंबर्स जो है ये डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है, लेकिन पाइथन में नंबर्स किसी और काम के लिए यूज़ होता है। तो नंबर्स होते हैं क्या हैं? अच्छा, नंबर्स में तीन तरह के जो हमारे पास टाइप्स आते हैं, तीन तरह के डेटा टाइप्स आते हैं, ठीक है। एक आता है INT, एक फ्लोट होता है, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें हमारे पास अगर एग्जांपल दिया जाए तो हमारे पास ये वन है, ये नंबर है, 1 2.8 फ्लोट है, ये नंबर है, कॉम्प्लेक्स 1 ये भी हमारे पास नंबर्स में आएगा। उसके बाद टाइप हमारे पास किस तरह की होती है, प्रिंट टाइप एक्स, अगर तीनों को हम प्रिंट कराएँ, इसकी दोनों के टाइप्स को प्रिंट करवाएँ, तो ये हमें बता देगा कि कौन सी टाइप है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेज करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेज करता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि ये कौन सी टाइप है। तो जैसे इसने बताया है कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम वही कोड है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। मैं यहीं पर उसको रिप्लेस कर देता हूँ। सेम ये भी, ये जो ऊपर वाला नंबर है इंटीजर है, दूसरा इंटीजर, तीसरा भी इंटीजर है, ठीक है। अब फ्लोट की तरफ आते हैं। फ्लोट में हमारे पास आता है सही पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ जाती हैं, ये हमारे पास फ्लोट्स आ गया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स ये चीज़ होती है जिसमें हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाए, ठीक है, जो हमें अननोन वेरिएबल हो, जो कि डिक्लेयर ना हो या हो पहले से, ठीक है, डिफाइन ना हुआ हो। अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है? टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि अगर एक टाइप इंटीजर है, हमने इसको कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में, तो हम किसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको चलाता हूँ। ए में हमारे पास पहले क्या था, सॉरी एक्स में हमारे पास था इंटीजर, अब वो ए में, अब वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। वाई में हमारे पास फ्लोट था, वाई में हमारे पास फ्लोट था, अब वो वाई में हमारे पास इंटीजर हो गया। जेड में हमारा कॉम्प्लेक्स था, जेड में अब हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, सॉरी एक्स, एक्स हमारे पास पहले क्या था, इंटीजर था, अब दोबारा से वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब दोबारा से फ्लोट इंटीजर कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह से इन्होंने कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि पहले एक्स जो था वो हमारे पास क्या था, एक्स को ही इन्होंने अपडेट कर दिया। पहले एक्स हमारे पास था इंटीजर, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद वाई हमारे पास था फ्लोट और ये कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, फिर उसके बाद एक्स इंटीजर में था उसको कॉम्प्लेक्स में कर दिया, तो वो कॉम्प्लेक्स में इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है, पॉसिबल है। आगे चलते हैं। रैंडम नंबर क्या होता है कि कोई चीज़ हमने कोई रैंडम इनपुट देनी है, हम कार्ड्स गेम खेल रहे हैं, उस कार्ड्स गेम के अंदर हमने अगर कोई रैंडमली किसी कार्ड को इनपुट देनी है, तो वो हम इस तरह से हम सो कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल, सॉरी गूगल ऐप में एक और ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसको AI जनरेटेड भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ और ये मेरे पास हुई रैंडम नंबर है, मैं दोबारा रन करूँगा तो मेरे पास कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई कार्ड्स ही गेम खेलते हैं, तो उसके लिए मुझे ना पहले एक डालनी पड़ेगी, मैं एक फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ कार्ड्स का, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। उस कार्ड्स की जो वैल्यूज़ होंगे ना, उसको जल्दी से क्या करेगा, वो आइट्रेट करेगा फ़ौरन से, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कार्ड्स वगैरह पड़े हों, लेट्स लेट मी चेक, मैं अपने जाता हूँ चेक करता हूँ मेरे पास अगर कोई कार्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं, मैं इसको डालता हूँ अपने सेक्शन में। मेरे पास लेट मी चेक, चलो कंट्री फ्लैग्स को ये इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसकी इमेजेस होगी मेरा ख्याल है शायद मेरे पास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पड़ी हुई है मुख्तलिफ इमेजेस,
मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ अपने इस जगह पर। सच में पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये चलेगा। ठीक है, पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये है कि मेरे पास ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं जाता हूँ PNG में, जाता हूँ PNG 100 ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्लैग्स हैं, लेकिन मैं चलो सारे फ्लैग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अपने जाता हूँ अपने इधर और यहाँ पेश कर देता हूँ इसको। इसको कैसे पेश करूँ, मैं काम भी करता हूँ कि इस ऑल सिलेक्टेड है, मैं उसको उठा कर यहाँ पर रखता हूँ और अभी थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, छोटा एडिशन। अच्छा, ये अगर इसको बंद करूँगा तो ये सारा सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा टाइम लेगा। अब ये जितनी भी फ्लैग्स हैं मेरे पास, इन सबको मैंने रेंडमली उस मैं इसको अपीयर करूँगा। ठीक है, और इसके पहले इसका GUI बनाऊँगा, GUI के थ्रू भी मैं इसको करूँगा। अच्छा, अब क्या करना है, फिलहाल अभी ऐसा है कि प्रोजेक्ट इस पर अभी नहीं हो सकता क्योंकि हमें दूसरा एनवायरनमेंट चाहिए, गूगल क्लैब में हम वो नहीं कर सकते काम। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है हम रैंडम नंबर जो है इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, रैंडम नंबर पर थोड़ा सा और हम इस पर कोड कर लेते हैं। रैंडम नंबर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ना कोई रैंडम नंबर चाहिए तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे, उसके बाद हम सारा काम करेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी का अगर इम्पोर्ट ना करें, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो फिर शायद हमें ये एरर दे दे। अभी तो दे रहा है, एरर नहीं दे रहा क्योंकि गूगल क्लैब में ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, एक तो तरीका ये है रैंडम, ठीक है, इसको हम कहते हैं रैंडम रेंज। ठीक है, रैंडम का ये बिल्ट इन है। उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके हमारे पास फीचर्स आते हैं जो कि रैंडम के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम डॉट, इसके बाद हमारे पास आते हैं रेडियंट, रैंडम, रैंडम रेंज, सेम सैम्पल, सीड, सेट स्टेट, शफल, सिस्टम, रैंडम, और बहुत ज़्यादा हमारे पास इस तरह के GUI गॉसेस हमारे पास आ जाता है। उसके बाद गेम वेरिएंट, एक्सपोनेंट, चॉइसेस, चॉइस, और हमारे पास रैंडम बीटा वेरिएंट। ठीक है, चॉइस चॉइस के लिए होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमारे पास एक सेट आ जाता है इस तरह का, और उसके अंदर हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी चॉइस जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं दोबारा करता हूँ तो ये 2 इसलिए हमें प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो 9। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ ए, अब मैं कार का नाम लेता हूँ Car1। ठीक है, Car2, ठीक है, Car3, Car4, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ Car4, और फिर उसके बाद Car5, Car6 है मेरे पास। ठीक है, और फिर उसके बाद अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ये काम कर दिया और अब हम क्या कहते हैं यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, प्रिंट तो करवाया नहीं, प्रिंट करवाने के लिए हमें यहाँ पर किसी जगह पर स्टोर कर देते हैं। हम इसको यहाँ पर मैंने पर स्टोर कर दिया, हमने इसको कार चॉइसेस कार वेरिएबल बनाते हैं CHOIC कार चॉइसेस के नाम से, और कार चॉइसेस के नाम से हम इसको रख देते हैं। और जैसे हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट कार्स के नाम जो हैं वो प्रिंट होंगे। ठीक है, रैंडमली कोई भी कार आ सकता है। ठीक है, इसी तरह हम डाइस का कर सकते हैं। ठीक है, डाइस रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस लिहाज से हम इसको कर सकते हैं, रोल द डाइस, नाउ रोल द डाइस, तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया है नंबर्स का। इसके बाद हमारे पास आता है कास्टिंग, वो हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।